ਮੈਂ ਸਿਤਾਰਾ ਜਾਂ ਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਵੇ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਵੇ ਘੁੰਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰਾ ਜਾਂ ਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਵੇ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੌਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੱਟੀ ਦਾ ਵੇ ਪੂਰਾ ਠੁੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੱਟੀ ਦਾ ਵੇ ਪੂਰਾ ਠੁੱਕ ਮਿੱਤਰਾ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड टिडबिट्स और मैं हूं आपकी विधि बद्रा। आज हमारे साथ है मन्नत नूर, जो कश्मीर से लेके पंजाब से लेके और अब मुंबई आई हुई हैं। तो ये सफ़र क्यों और कैसे चल रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। कश्मीर से नहीं, मैं एक्चुअली जम्मू से, J&K पड़ता है, जम्मू कश्मीर कह देते हैं उसको। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, जहाँ पर एक बिल्कुल एक पहाड़ी एरिया है। गाने का मुझे शुरू से बहुत शौक था, गाने का मैं रेडियो सुनती थी, फॉलो करती थी सिंगर्स को। तो उसके बाद मुझे मेरे सिस्टर हैं चंडीगढ़, उनकी मैरिज हुई था, वहाँ पे आती जाती थी तो मुझे मौका मिलता रहता था टीवी वगैरह देखने का, लोगों से मिलना, ये वो, मतलब पंजाबी कल्चर से थोड़ा बहुत जुड़ के रहना। और उस तरीके से मुझे वहाँ पे एक पंजाबी इंडस्ट्री में मेरी स्टार्टिंग हो गई थी कुछ सालों बाद। तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि बिना सीखे मुझे कुछ पता नहीं था म्यूज़िक के बारे में, तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई। काफ़ी सारी फिल्मों के लिए मैंने प्लेबैक सिंगिंग करी क्योंकि मेरा ड्रीम था। उसके बाद मेरे सोलो ट्रैक आने स्टार्ट हुए, जिससे जैसे मैंने अभी गाना गाया शौकीन जट्टी, तो इस गाने से मेरी एक पहचान बनी थी, मन्नत नूर को इस गाने से पहचान मिली है, मन्नत नूर का नाम लोगों के सामने आया। तो उसके बाद सोलो ट्रैक किए, 5 ट्रैक अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो अभी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है पंजाब में मुझे। तो उसके बाद अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे आई थी एक गाने के लिए, एक्चुअली पंजाबी मूवी के लिए मुझे बुलाया गया था यहाँ पे मुंबई में। तो आई एम वेरी लक्की कि वहाँ से स्टूडियो में ही कुछ और लोगों से मुलाकात हुई, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने किसी और मूवी के लिए बुला लिया दूसरे स्टूडियो में। तो ऐसे ही अभी वो सिलसिला भी जारी है कि कल कहीं और गाना है, परसों कहीं और गाना है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब मुंबई आने का बेसिक चक्कर ये है कि बॉलीवुड में एंट्री चाहिए और सबको टक्कर देनी है। कह सकते हैं। तो आप किस ऐसी आवाज़ को आप अपने रोल मॉडल मानते हैं? मेरी आइडल एक्चुअली अलका याग्निक जी हैं, जिनको मैंने शुरू से मैंने फॉलो किया है। मैं सबको सुनती हूँ, लता मंगेशकर जी वो हमारे लिए भगवान हैं, सबके लिए वो सरस्वती माता का रूप हैं, उनको मैंने बहुत सुना है। बट मैं अगर अपना आइडल कहूँ तो अलका याग्निक जी मेरे आइडल हैं, उनको मैंने बहुत फॉलो किया है। उनका कोई ऐसा एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहेंगी? उनके बहुत सारे गाने हैं, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, बट एक गाना अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ अकेली होती हूँ या शो पे भी कहीं ऐसा माहौल होता तो वहाँ पे मैं गाती हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। थैंक यू सो मच मैम। आप पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि आपको अपना बॉलीवुड का करियर यहाँ पे बनाना है। तो आपने अब तक क्या स्ट्रगल करना है या फिर क्या ऐसा माइंडसेट लेके आई हैं आप कि इतना तो करना ही पड़ेगा बस? एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अभी तक मैंने स्ट्रगल भी नहीं किया, भगवान की कृपा से। मुझे नहीं पता था कि मैं एक सिंगर बनूंगी, इससे पहले कुछ और सोचती थी। जब मैं बचपन में, मेरा ड्रीम मतलब बचपन में मैं ये सोचती थी कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। सिंगिंग का तो मुझे पता भी नहीं था कि सीखा भी जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो धीरे धीरे करते करते आई हूँ इस लाइन में, तो मुझे एक पहचान मिलनी स्टार्ट हुई है। तो अभी मैं सोचूंगी कि अब मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इससे पहले स्ट्रगल नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली मिली हैं, बहुत अच्छी तरह से मिली हैं।
और लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा पंजाब ने मुझे प्यार दिया है। ओके, सो आपकी कोई फैमिली में कोई ऐसा शख्स जिसे मतलब जिनकी आवाज़ भी आपकी तरह ही सुरीली हो, या फिर उनसे कुछ अडॉप्ट हुआ हो आप में? एग्जैक्टली, एक्चुअली फैमिली में प्रोफेशनली मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग पहाड़ी एरिए से हैं, वहाँ पे आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी कि ऐसा भी होता है, संगीत सीखा जाता है। बट वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे भाई बहन सब बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ मतलब एक नेचुरल है, सब बहुत अच्छा गाती थी। एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली उन्हीं को सुन सुन के, कि मेरी सिस्टर सबसे बड़े वो बहुत अच्छा गाती थी, तो उनको सुन के मैंने भी गाना स्टार्ट किया, तो वो लोग आगे नहीं आ पाए, उनको पता नहीं चला, लेकिन मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मैं आज जम्मू से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से आज मुंबई आई हूँ। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि इनके साथ काम करना है, मतलब लिस्ट तो बनाई होगी आपने? नहीं, मैं ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिस्ट बनाई कि मैंने इनके साथ काम करना है, इनके साथ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंड में कुछ लेके नहीं आई थी मैं, यहाँ पे एक जस्ट एक गाना रिकॉर्ड करने आई थी फिल्म के लिए, तो उसके बाद कब से क्या मतलब कि बहुत सारे आगे मतलब लिंक टू लिंक लाइन हो रहा है। करेक्ट, तो वहीं से आगे मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है। हाँ, ये सोचती हूँ कि बस पूरी दुनिया में मन्नत नूर का नाम हो, सुपरस्टार बनूँ, सबका ड्रीम होता है, मेरा भी है, तो अभी कुछ प्लान ऐसे नहीं है। हाँ, पंजाब में मैंने और कुछ गाने लाइन अप किए हुए हैं, अभी रिसेंटली हमने गाना रिकॉर्ड किया जो बहुत अच्छा है, वो अभी उसका वीडियो करने जा रहे हैं, जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा तो मैं करती जाऊँगी। एग्जैक्टली, मन्नत जी, एक ट्रेंड आया हुआ है कि सिंगिंग आती है फिर एक्टिंग तो थोड़ी बहुत कर ही लेंगे, तो आप में कुछ एक्टिंग का कुछ बग बाइट है? एक्टिंग नहीं तो ओवर एक्टिंग सही है। एक्चुअली मैंने अपने गानों में, जितने मेरे गाने हैं उसमें मैंने खुद एक्ट किया है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एक्सप्रेशन वगैरह वही देने थे, तो उसमें मैंने खुद किया है। बाकी अभी अभी कुछ एक्टिंग के लिए नहीं सोचा, क्योंकि स्कूल टाइम में एक्टिंग करती थी, वहाँ पे प्लेज वगैरह होते थे तो मैं करती थी। तो अगर इन फ्यूचर आपको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी चांस दिया जाए कि भाई आप इस फिल्म की लीड बनेंगी, तो पहली बात तो मुझे कोई लीड नहीं लेगा। अच्छा, सेकंड लीड, थर्ड लीड? क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी हीरोइंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रगलर्स लड़कियां हैं जिनका फेस सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया हुआ है, उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान ने एक आवाज़ दी है, मैं उसके लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं अभी तक यहाँ पहुँची हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, एक्टिंग नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने अभी सोचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे माइंड में नहीं चल रहा। ओके, सिंगिंग। तो मैम, जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए एक सॉन्ग सूट पटियाला करके गाना आया था मेरा, तो वो सुनाना चाहूंगी। बाहां विच चूड़ियां हथां च मुंदियां रीजना परांदियां गुतां च गुंदियां, बाहां विच चूड़ियां हथां च मुंदियां रीजना परांदियां गुतां च गुंदियां, आउंदा ना ख्याल कहंदा किसे होर दा, आवे ना ख्याल कहंदा किसे होर दा, सूट पटियाला मैनू जचदा है बाला, हो गया क्रेजी मुंडा मेरी तौर दा, सूट पटियाला मैनू जचदा है बाला, हो गया क्रेजी मुंडा मेरी तौर दा। बट सॉरी, मैंने आज सूट नहीं पहना, गलत हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बॉलीवुड टिडबिट्स, ऐसे और बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर डालना। थैंक यू सो मच। वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया, वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया, मैं बस तेरा कर दी जाप मुंडिया, वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया, वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया, मैं तेरी हीर सलेटी, मैं तेरी हीर सलेटी, तू मेरा रांझा चाक मुंडिया, वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया, वे तू तो मेरा स्वीट हार्ट मुंडिया। हाय गाइस, दिस इज मन्नत नूर एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड टिडबिट।